विधानसभा दरौली। बिहार का दरौली विधानसभा सीट सीवान लोकसभा के तहत आता है। 1951 में दरौली सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में दरौली में हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट रामायण शुक्ला ने जीत हासिल की थी। 1957 में दरौली सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट बसावन राम ने जीत हासिल की थी। वहीं 1962 में हुए चुनाव में दरौली सीट से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट रामायण शुक्ला ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 1967 में दरौली सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट केपी सिंह ने विरोधियों को शिकस्त दी थी। 1969 में यहां हुए विधानसभा चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट लक्ष्मण रावत ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 1972 में दरौली सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट कृष्णा प्रताप सिंह ने विरोधियों को मात दी थी। वहीं 1977 में हुए चुनाव में दरौली सीट पर कृष्णा प्रताप सिंह ने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की। 1980 में दरौली सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट चंद्रिका पांडे ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 1985 में यहां पर हुए चुनाव में लोकदल की टिकट से शिवशंकर यादव ने जीत हासिल की थी। 1990 में शिवशंकर यादव ने दरौली में जनता दल की टिकट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। 1995 में दरौली सीट से CPI ML के कैंडिडेट अमरनाथ यादव ने जीत हासिल की थी। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में दरौली सीट से शिवशंकर यादव ने RJD की टिकट पर जनता का भरोसा जीत लिया था। 2005 के चुनाव में दरौली सीट से CPI ML के कैंडिडेट अमरनाथ यादव ने जीत हासिल की थी। 2010 के चुनाव में दरौली सीट से BJP के कैंडिडेट रामायण मांझी ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 2015 के चुनाव में यहां से CPI ML की टिकट पर सत्यदेव राय ने दरौली से जीत हासिल की। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में दरौली सीट से CPI ML के कैंडिडेट सत्यदेव राम ने जीत हासिल की थी। सत्यदेव राम ने चुनाव में 49,576 वोट हासिल किया था। वहीं BJP कैंडिडेट रामायण मांझी को 39,992 वोट मिल पाया था। इस तरह से सत्यदेव राम ने रामायण मांझी को 9,584 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं RJD के कैंडिडेट परमात्मा राम 37,345 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2010 के विधानसभा चुनाव में दरौली सीट से BJP कैंडिडेट रामायण मांझी ने जीत हासिल की थी। रामायण मांझी ने चुनाव में 40,993 वोट हासिल किया था। वहीं CPI ML के कैंडिडेट सत्यदेव राम ने 33,987 वोट हासिल किया था। इस तरह से रामायण मांझी ने सत्यदेव राम को 7,006 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं LJP कैंडिडेट शिव कुमार मांझी 15,697 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2005 के विधानसभा चुनाव में दरौली सीट से CPI ML के कैंडिडेट अमरनाथ यादव ने जीत हासिल की थी। अमरनाथ यादव ने चुनाव में 30,355 वोट हासिल किया था। वहीं RJD कैंडिडेट शिवशंकर यादव ने चुनाव में 26,347 वोट हासिल किया था। इस तरह से अमरनाथ यादव ने शिवशंकर यादव को 4,008 वोट से हरा दिया था। वहीं BJP कैंडिडेट योगमाया 17,559 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां महागठबंधन और NDA के बीच कड़ा मुकाबला होगा। अब चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि इस बार के चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।